हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा की जाती है, यानी दिवाली के अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली है, इस हिसाब से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को होनी चाहिए, लेकिन इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के कारण इस साल दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। चलिए जानते हैं कि इस बार दिवाली के अगले दिन क्यों मनाया जा रहा है ये पर्व और साथ में पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं कि क्या है गोवर्धन पूजा का मुहूर्त। इस साल 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर शुरू हो रही है। ये तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 पर समाप्त होगी। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे करनी है गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह काल जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ में पशुधन यानी गाय बछड़े आदि की भी आकृति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही सबसे पहले गोवर्धन पूजा का आरंभ करवाया था और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ।